देखो यूपी मॉडल नहीं चल रहा, मैं तो ये कहूँगा गुंडा राज चल रहा था। आज बीजेपी सरकार आई जब ही हिंदू खतरे में, और हम तो कह रहे हिंदू समाज या मुस्लिम समाज या सिख समाज या दलित समाज या ओबीसी समाज खतरे में नहीं है। आज खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है। तो आज भी चैलेंज करता हूँ, अगर चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, अगर इनके अंदर जरा भी इंसानियत है, जरा मानवता है, तो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से वोट करा के देख ले, इनकी जमानत जब्त न हो जाए, जो मर्जी कहना। भाई देखो यूपी मॉडल नहीं चल रहा, मैं तो ये कहूँगा गुंडा राज चल रहा। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते इन्होंने कोई विकास नहीं किया, योगी सरकार या मोदी सरकार ने कोई विकास नहीं किया, इनने हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा कोई शब्द नहीं कहा, और ये बार बार कहते हिंदू खतरे में। आज के 70 साल पहले का ये हिंदू नहीं था, आज बीजेपी सरकार आई जब ही हिंदू खतरे में, और हम तो कह रहे हिंदू समाज या मुस्लिम समाज या सिख समाज या दलित समाज या ओबीसी समाज खतरे में नहीं है। आज खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में, मोदी सरकार खतरे में, योगी सरकार खतरे में है। इस वजह से ये जनता को डेडबीट कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं कि किसी प्रकार की दूसरी सरकार ना जाए। मेरे किए हुए जितने भ्रष्टाचार जितने घोटाले हैं कहीं वो उजागर हो गए, आज मैं दूसरों को जेल में बंद कर रहा हूँ तो मुझे न कल जेल में जाना पड़े, तो भयभीत हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं जी, वो आप क्या एजेंडा मानते हैं क्या? कहा नहीं, उनने तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बीजेपी वाले मान रखा है ना, कहीं भी वोट देखो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही हिंदू ना जिताते हैं, जिता दे 2022 में देख लेना ये चीज़। नहीं नहीं 2022 हो या 2024, मैं तो आज भी चैलेंज करता हूँ, अगर चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, अगर इनके अंदर जरा भी इंसानियत है, जरा मानवता है, तो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से वोट करा के देख ले, इनकी जमानत जब्त न हो जाए, मैं जो मर्जी कहना। ईवीएम से चुनाव होंगे आपको लग रहा है? ईवीएम से चुनाव होगा मुझे पूर्ण पता है। आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा, बिहार में देखा होगा, इन्होंने हर जगह घोटाला किया, चुनाव आयोग तो इनके फेवर, सीबीआई तो इनके फेवर, जो पुलिस महकमा वो इनके सेवर, ये जबरदस्ती उन पर दबाव बना के अपने फेवर में जो है मतदान कराते हैं, और इनको जनता को भयभीत और धमकी देते हैं, मैं तुम पे ये मुकदमे लगा दूंगा, तुम पे वो कर दूंगा, नहीं तो जो है हमारे फेवर में वोट कवर करो। अच्छा, तो आगे जो होगा यूपी में जो होने वाले हैं, हाँ। समाचार न्यूज़ तो मचने वाला है, हाँ। कुछ महीनों में शुरू हो चुकी है, सुविधाओं की बात करूंगी, तो ऐसी कौन सी सुविधा है जो नहीं दी है जो आप इतने गुस्से में लग रहे हैं सरकार? मोदी जी ने या योगी जी ने, अगर उन्होंने चाहे अखबार में दे दिया हो, चाहे पेपर में दे दिया हो, चाहे टीवी पे प्रचार किया हो, जितना उन्होंने प्रचार में पैसा खर्च किया उतना तो शायद यहाँ क्षेत्र में विकास भी नहीं किया। अगर हमारे सहबाबाद ही विधानसभा में देख लियो कितना विकास किया। प्रचार में कौन सी पार्टी नहीं खर्च करती? इतना नहीं करती जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना किसी राजनीतिक दल ने प्रचार नहीं किया है। मैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात मानता हूँ कि जो इन्होंने जो पुरानी सरकारों को कोसते हैं, जो पुरानी सरकारों ने आज तक इन्होंने बना के 70 साल में यहाँ तक पहुँचाया है, और वो आज ये बेचने एक एक करके बेचने में लगे हुए हैं। तो मैं तो यहाँ तक कहता 2007 में पंडित अमरपाल शर्मा जो आए थे, पंडित अमरपाल शर्मा के ही इतना भी विकास नहीं इन्होंने करा पाया। क्षेत्र के जो सांसद है, जो क्षेत्र के विधायक है, जीतने के बाद हम चाहे बीके सिंह हो चाहे सुनील शर्मा हो, पंडित अमरपाल शर्मा कितना विकास कर दिखाया हो, पिछला विकास दिखा दे, ये तो जीतने के बाद में दिखाई भी नहीं देते हैं। पानी 4 साल में बहुत सुधार हुआ। बिजली सुनो, किसी समय ये था कि जो हम खोड़ा का ही ले लो, खोड़ा में जो है बिजली आती नहीं थी, मगर जब से खोड़ा में जो है पंडित अमरपाल शर्मा ने कदम धरे थे, ये विकास जो है खोड़ा का विकास हुआ है, तो पंडित अमरपाल शर्मा की देन, खोड़ा की पहचान है तो पंडित अमरपाल शर्मा की देन। शुरू से लेके आज तक कांग्रेस सांसद जो है बीजेपी का रहा, चाहे तोमर रहे हों, चाहे राजनाथ रहे हों, चाहे बीके सिंह रहे हों, चाहे सुनील शर्मा रहे, शुरू से लेकर आज तक शासन तो जो है बीजेपी के ही विधायक और सांसदों का रहा है। पंडित अमरपाल शर्मा तो पहली बार जीते थे,
2007 में, और उन्होंने सहबाबाद विधानसभा का विकास इतना कर दिया था, काया पलट कर दिया था। आज आज की जनता जो है उसी विकास के लिए वही पंडित अमरपाल शर्मा के जो है वाह वाह कर रही, अमरपाल शर्मा को दोबारा लाने चाह रही है। की बार रोचक परिणाम देखने को मिलेंगे, विकास को वोट मिलेगी, चूँकि पूर्व के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके काम और वर्तमान के मुख्यमंत्री के काम देखने के बाद जनता अपने मन चाहे, जिन्होंने विकास की गंगा बहाई थी प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। संयुक्त मोर्चा बनेगा और संयुक्त मोर्चे की अब के सरकार बनेगी। आपने फैसला लिया है, कुछ सोच के फैसला लिया होगा कि पूर्व जो मुख्यमंत्री बने हैं या आगे बन सकेंगे या नहीं, क्या ऐसी कमियां नज़र आ रही है? विकास की तरफ माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल हमने देखा, विद्युतीकरण में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कार्य किए, शहर के मेट्रो भी उन्हीं के कार्यकाल में आई, एलिवेटेड रोड आई, शहर के सौंदर्यकरण का कार्य शुरू हुआ था। आपसी तो आदित्यनाथ ने भी किया है, आप कैसे कह सकते हैं विकास नहीं किया? माहौल बहुत खराब हुआ है, आज देखो सरकारी तंत्र की लूट मची हुई है। आज कोई नेतृत्व तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत आ जाए वो खड़े होकर ये कह दे कि हम जनता की सेवा में यहाँ हाजिर हैं। सिर्फ एक मात्र मुख्यमंत्री जी की चल रही है, जिसे हिटलर शाही समझो, एक तरह का राजशाही तंत्र नहीं रहा, ये हिटलर शाही तंत्र रहा। जो सुनने में आता अखबारों के माध्यम से, हम तो आम जनता हैं, कि मुख्यमंत्री जी आए उन्होंने ये काम किया, SDO सस्पेंड किया, मुख्यमंत्री जी आए उन्होंने किया, ये इतना सारा तंत्र घूम रहा है, ये क्या करेगा? सारी जानकारी तो मुख्यमंत्री जी से मिलती नहीं। और मुख्यमंत्री जी में ये अंतर हमें नज़र आता है कि ये मुख्यमंत्री हैं अपनी सुरक्षा तंत्र के साथ अकेले घूमते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का हमने देखा था सैकड़ों लोगों के साथ घूमते थे, कोई समस्या बताते थे, जनता दरबार लगाते थे। जनता दरबार तो योगी आदित्यनाथ भी लगाते हैं। मैंने तो सुना कि वहाँ कोई मिलने ही नहीं जाता, मैंने तो यही सुना। कैसे कह सकते आप? सुने अखबारों के माध्यम से सुना भाई, मीडिया के माध्यम से सुना, यूट्यूब पे सुना, और मुख्यमंत्री जी से तो हमने भी कई बार चिट्ठी लिखी है कि हमारे क्षेत्र की कुछ समस्या है। हमारी चिट्ठी का तो जवाब आया नहीं, हम आम जनता, हमारी का नहीं आया। तो मैं समझ रहा हूँ कि पता नहीं कौन मिलते होंगे, हमने तो देखा नहीं। अब यहाँ जिस दिन भी मुख्यमंत्री जी एलिवेटेड का यूज करते हैं उस दिन तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे, मैंने तो एक बार 11 घंटे रोड बंद देखी, पता नहीं हेलीकॉप्टर कहीं फंस गया था तो एलिवेटेड से। मैंने तो देखा कि उनके काफले में सब लोग शामिल होकर चलते थे अखिलेश यादव जी के, तो बीच में गाड़ी उन्होंने कभी बंद ही नहीं की। ना मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस सरकार ने विशेष रूप से कहा था कि हम VIP कल्चर खत्म करेंगे और आम जनता के बीच में रहेंगे, लेकिन सबसे बड़े VIP यही हैं, सबसे बड़ी हिटलर शाही सरकार और सबसे बड़े VIP भारतीय जनता पार्टी ही है। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि जितने इन्होंने वादा करे शायद 1% भी उसका काम ना किया। क्या क्या लगता है सहबाबाद क्षेत्र में है कितना काम हुआ है, किस मुद्दों में वोट देंगे? सहबाबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आपने देखा होगा, जब से कोविड आया और उससे पहले सहबाबाद की जनता, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश में योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सब परेशान है। और यहाँ अब से पहले भी विधायक पंडित अमरपाल शर्मा जी सहबाबाद विधानसभा के रहे हैं, उनके समय में यहाँ की जनता सहबाबाद विधानसभा की खुशहाल रहा करती थी, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, और चाहे विकास का मामला हो। पंडित अमरपाल शर्मा जी ने तमाम विकास कार्य अपने विधायक रहते हुए करवाए हैं। जब अमरपाल शर्मा जी विधायक सहबाबाद से हुआ करते थे उस समय यहाँ मेट्रो की नींव रखी गई, एलिवेटेड रोड उन्हीं की विधायक रहते समय सहबाबाद विधानसभा में बनाया गया, तो अनेकों काम सहबाबाद विधानसभा में अमरपाल शर्मा जी के समय में हुए। आपको राम राज्य रास नहीं? नहीं, राम राज्य की बात नहीं है। देखो, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अब से पहले भी सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश की जनता सर्वजन का सरकार चाहती है, सर्व जन के हित की सरकार चाहती है। ऐसा कोई नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे हों या सांप्रदायिक तनाव हो। उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकार हो, हमने माने अखिलेश यादव जी की भी सरकार देखी है, उस समय भी उत्तर प्रदेश में कानून का राज हुआ करता था।
अच्छा दंगे की बात की, योगी सरकार ने तो कोई दंगा नहीं हुआ अखिलेश यादव में, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। उत्तर प्रदेश में जब भी दंगे हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लिप्त रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा जब मुकदमे चले तो उत्तर प्रदेश के सरकार कई मंत्री उसमें लिप्त थे, जैसे इनके विधायक एक संगीत शो में, एक इनके मंत्री हैं शामली से जो गन्ना मंत्री हैं वो भी उसमें लिप्त रहे हैं, चाहे संगीत ये संजीव जो वहाँ से बालियान इनके कैबिनेट केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो भी उसमें लिप्त थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में जब जब दंगे हुए यही लिप्त पाए गए हैं। देखिए यूपी जो मॉडल है वो तो पूरे देश में डंका बजा रहा है, इस समय तो यूपी का मॉडल है, बंगाल में भी डंका।